विंडोज वाले काफी ज्यादा परेशान रहते हैं भाई, वो अपने आईफोन से अपने विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाते भाई, चिंता मत करो। आपको एकदम मस्त मेथड बताने वाला हूं जिससे अपने आईफोन से अपने विंडोज में अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, विंडोज से अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा अपने आईफोन को बैकअप भी ले सकते हो, टूल बॉक्स भी मिल जाता है, मतलब आपके आईफोन में कुछ इशू है ना वो भी आप फिक्स कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ट्रांसफर और बैकअप जैसे और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फोन टूल और एकदम फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर अपने विंडोज कंप्यूटर में डाउनलोड करने वाला हूँ और लेटेस्ट iOS वर्जन और लेटेस्ट आईफोन को ही सपोर्ट करता है। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊँ ना तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या फंक्शनैलिटीज मिलती है। अब देखो सॉफ्टवेयर को खोलते ही काफी क्लीन और सिंपल सा UI दिखेगा। लेफ्ट साइड हमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला काम है भाई अपने फोन को कनेक्ट करना। सबसे पहले मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने अपने आईफोन को जो है कनेक्ट कर दिया है और मेरे स्मार्टफोन में एक परमिशन आ रही है ट्रस्ट करने की, तो मैं इसको ट्रस्ट पर टैप कर देता हूँ और अपना पासकोड एंटर कर देता हूँ। कनेक्ट करते ही ना भाई ये मेरे पूरे फोन का डेटा आ चुका है, पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है और अभी मेरा आईफोन लॉग्ड है। इससे पहले जब मैंने कनेक्ट करा था फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने पर पासकोड मांगता है, उसके बाद लॉग्ड आईफोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही मेरा आईफोन लॉग्ड है लेकिन मैं फिर भी सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। कुछ चीजों के लिए पासकोड एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर फोन दिखा रहा है कि आईफोन 15 प्लस है, iOS 18 इंस्टॉल्ड है, पूरी कैपेसिटी वगैरह दिखा रहा है। डेटा एक्सप्लोरर पर जाऊं तो यहाँ पर मेरे जितने भी फोटोज हैं, म्यूजिक है, रिंगटोन्स वगैरह है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी। अब देखो मेरे आईफोन के जितने भी फोटोज थे वो यहाँ पर सारे दिख रहा है और अमेजिंग बात ये है कि हिडन फोटोज जो है ना वो भी सारे यहाँ पर दिखा रहा है। बिना पासकोड एंटर करे, बिना फेस आईडी के मैं हिडन फोटोज तक देख पा रहा हूँ, तो भाई ये काफी मतलब अजीब सी और काफी अलग तरीके की बात है। इसके अलावा देखो मैं हिडन फोल्डर में जाऊँ ना तो हिडन फोल्डर में भी मैं सारे फोटोज देख सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे सारे हिडन फोटोज जो है वो दिखाई दे रहा है बिना पासकोड बिना फेस आईडी के। फेवरेट्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड जो मेरे फोटोज है वो भी सारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी मैंने एल्बम्स बना रखे हैं वो सारी एल्बम्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मैं फोटोज देख सकता हूँ, बाकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, वीडियोस, लाइव फोटोज और स्क्रीन शॉट्स वगैरह भी देख सकता हूँ। म्यूजिक में जाऊँ तो फिलहाल कोई म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक देख सकता हूँ, रिंगटोन्स देख सकता हूँ, वीडियोस देख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स देख सकता हूँ, मैसेजेस वगैरह देख सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं पूरे अपने फोटोज देख सकता हूँ ना, तो इन सभी फोटोज को मैं कॉपी कर सकता हूँ, जो जो मुझे चाहिए मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एक्सपोर्ट टू डेस्कटॉप कर सकता हूँ। तो मैं अपने कंप्यूटर में इन फोटोज को कॉपी कर सकता हूँ और अगर मैं अपने आईफोन में कोई फोटोज डालना चाहता हूँ ना तो इंपोर्ट टू डिवाइस करके इंपोर्ट फाइल या फिर फोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसके बाद अपने कंप्यूटर से मैं कोई भी फोटो वगैरह जो है कॉपी कर सकता हूँ अपने आईफोन में। मतलब आईफोन में फोटोज और डेटा ट्रांसफर काफी ईजी हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब यहाँ पर मैं माई आई क्लाउड पर जाऊँ तो यहाँ पर आई क्लाउड को मैनेज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, आप जाकर डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आपके सारे बैकअप्स दिख जाएंगे जो भी आपने बैकअप्स बनाए हैं और यहाँ पर फोन बैकअप में जाऊँ तो यहाँ पर मैं बैकअप क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन है कि मैं सेलेक्टिव बैकअप बना सकता हूँ, मतलब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ किस चीज़ का बैकअप बनाना चाहता हूँ, फोटोज का, वीडियोज का, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह का, या फिर फुल बैकअप बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक क्लिक में सारा डेटा मेरा बैकअप हो जाएगा। जैसे मैं सेलेक्टिव बैकअप में जाऊँ तो सेलेक्ट कर सकता हूँ फोटोज़ का बैकअप चाहिए, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह किसका चाहिए। यहाँ पर स्टार्ट बैकअप पे करूँगा तो मेरा बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। फुल बैकअप पर जाऊँ तो यहाँ पर मेरा सब कुछ बैकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलती है, इसको स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से फुल बैकअप क्रिएट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर फ़ोन ट्रांसफ़र मिलता है, पूरा का पूरा अपना आईफोन को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने पीसी में। इसके अलावा अपने पीसी से पूरे आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आईफोन टू आईफोन ट्रांसफ़र कर सकते हो, पुराने आईफोन से नए आईफोन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जैसे मैं पीसी टू आईफोन जाऊँ तो यहाँ पर मैं फाइल्स वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सी फाइल मुझे अपने आईफोन में ट्रांसफ़र करनी है, या फिर वीडियो है, या फिर म्यूज़िक है, रिंगटोन है, वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आईफोन से पीसी में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे फोटोज़ खुलकर आ चुके हैं तो मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट करा तो यहाँ पर ओके करा, इसके बाद जो है स्टार्ट ट्रांसफ़र पर मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट में, और इसको सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफ़र पर मैं क्रिएट करूँ तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर मैं खोल के दिखाऊँ तो मेरे पीसी में ये फ़ोटोज़ आ चुके हैं डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर सॉरी डॉक्यूमेंट में मैंने ट्रांसफ़र करे थे, तो यहाँ पर ये सारे फ़ोटोज़ जो मैंने सेलेक्ट करे थे वो यहाँ पर आ चुके हैं।
तो इस तरह से अपने आईफोन से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हो, अपने पीसी से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हो, आईफोन से अपने पीसी में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब डेटा ट्रांसफर के लिए पूरा अलग से सेक्शन इन्होंने बना दिया है। बाकी यहाँ पर व्हाट्सएप मैनेजर आता है जिसमें आप व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हो, व्हाट्सएप का बैकअप को ट्रांसफर भी कर सकते हो वापस से अपने आईफोन में। इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस का भी ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मैं व्हाट्सएप का बैकअप लूँ तो यहाँ पर सब कुछ बैकअप ले सकता हूँ, इवन यहाँ पर फुल बैकअप को एनक्रिप्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारा टूल बॉक्स का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप रिंगटोन बना सकते हो, तो भाई आप आराम से फ्री में रिंगटोन बना पाओगे। ये फीचर काफ़ी अच्छा है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। इसके अलावा iOS डेटा रिकवरी का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो जो भी रिलेटेड डेटा है। इसके अलावा फोटोज डी डुप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप सिमिलर या फिर डुप्लीकेट फोटोज को डिलीट कर सकते हो। बाकी HEIC फॉर्मेट को आप जो है JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो एक साथ, क्योंकि भाई आईफोन के जो HEIC फॉर्मेट होता है ये काफ़ी सारे PC या फिर स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं करता है, तो बल्क में बैचेस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी डेटा इरेजर का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपना प्राइवेट डेटा को एक क्लिक में इरेज कर पाते हो। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको मिल जाता है फोन टूल में, जिसमें काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं और अलग से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएगी। चाहे आपको बैकअप लेना हो, फोटोज़ वीडियोज़ डेटा ट्रांसफ़र करना हो, या फिर व्हाट्सअप का बैकअप क्रिएट करना हो, या फिर डिलीटेड फोटोज़ वीडियोज़ को रिकवर करना हो। तो ये ऑल इन वन टूल बॉक्स कैसा लगा नीचे कमेंट में बता देना भाई, सारे काम कर पाओगे, सॉफ्टवेयर से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसी तरह की और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई विंडोज वालों को बड़ी इशू, विंडोज वाले